आज डिनर में मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी। सो बैंगन के मिडिल से मैं कट कर दी। अभी मैं हाथों के मदद से इसके ऊपर सरसों का तेल लगा रही हूँ। अभी मैं इसको रोस्ट करूँगी, इसलिए गैस ऑन कर दी। गैस को मैं मीडियम फ्लेम पर रखी हूँ। अभी मैं इसके ऊपर एक पुराना तवा रख दी। अभी तवा के ऊपर मैं ये भरता के लिए बैंगन सेट कर रही हूँ। ऐसे रोस्ट करने से ओवन का जो फ्लेम है वो भी सही रहेगा और ओवन गंदा भी नहीं होगा। अभी नील सो रहा है तो मैं एडवांस ये काम करके रख रही हूँ। बाकी का जो प्रोसेसिंग है वो तो मैं बाद में कर लूँगी गर्मा गर्म खाने के लिए। इधर देखिए बैंगन का एक साइड रोस्ट हो गया, तो मैं पलट देती हूँ इसको। ऐसे ही मैं बैंगन फुल रोस्ट कर लूँगी थोड़ा टाइम लेके। बैंगन रोस्ट होने पर इसका छिलका निकल के मैं रख दी। अभी शाम का 6:15 बज चुकी है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी बाहर अंधेरा नहीं हुए है, बाहर अभी भी लाइट है। इधर सब खेल रहा है। अभी मैं जाऊंगी किचन थोड़ा स्नैक्स बनाने के लिए। तो स्नैक्स के लिए मैं आज बनाऊंगी पैनकेक। पैनकेक की बैटर मैं बना चुकी हूँ। मैदा, रवा, एक अंडा, एक ऑनियन, दो चिली, थोड़ा नमक और थोड़ा चीनी डाल के पानी के साथ इसका बैटर बनाई। बैटर बनाने के बाद 30 मिनट्स के लिए मैं इसको छोड़ दी। अभी ये फुल प्रिपेयर हो गई। तवा गर्म होने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा ऑयल डाल दी। अभी मैं पैनकेक का बैटर डालूंगी इसके ऊपर और इसको डोसा के बैटर के तरह स्प्रेड कर लूंगी अच्छे से। जितना हो सके उतना पतला स्प्रेड करना है, क्योंकि ज़्यादा ठीक होने से तो इसका टेस्ट अच्छी नहीं लगता। एक साइड हो जाए तो इसको पलट के दूसरा साइड कर देना है और ये साइड में भी थोड़ा ऑयल लगा के फिर से इसको कुछ टाइम के लिए फ्राई करना है। भूख लगने पे ये पैनकेक बहुत जल्दी बन जाते हैं और इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छी है। 4-5 पैनकेक मैं ऐसे ही बना लूँगी, क्योंकि ये तो बुबू और नील का बहुत ही फेवरेट डिश है, तो उनका बहुत पसंद है ये डिश। नील और बुबू अभी टीवी देख रहा है, तो मैं अभी ये उनको सर्व कर दूँगी। इसके साइड में मैं थोड़ा टोमेटो केचप दे दूँगी। तो शाम का स्नैक्स रेडी हो गई। घर पूरा बिखर चुके हैं, तो मैं थोड़ा घर क्लीन कर लेती हूँ। घर मेसी नीली ज़्यादा करते हैं, ये फेंकने का काम उसका ही है। वो ऑल टाइम ये फेंकने का काम करते हैं। और बुबू भी इधर बैग रख दी, तो अभी इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ। देखिए ग्लास किधर है, ये भी बुबू का काम है। और फ्लोर देखिए नील का काम। घर क्लीन होने के बाद मैं उनके साथ थोड़ा बैठी थी, तो अभी 9 बज चुकी है। तो मैं अभी भरता के लिए रेडी कर रही हूँ। तो फर्स्ट मैं इसको हाथों के मदद से स्मैश कर रही हूँ। इधर फ्राइंग पैन में थोड़ा सरसों का तेल मैं डाल दी। तेल गर्म होने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा जीरा और 6-7 मेथी दाना डाल दी। अभी इसको थोड़ा गर्म होने के बाद मैं इसके अंदर कटा हुआ ऑनियन डाल दी। अभी सॉल्ट डालने के बाद मैं इसको थोड़ा फ्राई कर लूँगी। इसको ज़्यादा नहीं भूनूंगी, जस्ट रेड कलर होने तक इसको भून लूँगी। इधर देखिए थोड़ा कलर आ गया ऑनियन के ऊपर, तो मैं इसके अंदर अभी टोमेटो ऐड कर रही हूँ।
इधर मैं दो टोमेटो ले ली। अभी इसको भी थोड़ा नरम होने तक इसके साथ फ्राई कर लूँगी। इधर देखिए टोमेटो भी थोड़ा नरम हो गया। वन स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं अभी इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसको भी इसके साथ अच्छे से मिला लूँगी। इसके ऊपर ही चार पांच कटा हुआ हरी मिर्च मैं डाल दी थी, इसको भी अच्छे से मिला लूँगी। कुछ टाइम फ्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर वन स्पून जीरा पाउडर, वन स्पून धनिया पाउडर, छोटा स्पून के वन स्पून हल्दी पाउडर और छोटा वन स्पून रेड मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये सब डाल के मैं पानी डाल दी। ये मसाला रेडी होने के लिए मैं इसको पानी के साथ अच्छे से मिला के कुछ टाइम के लिए छोड़ दूंगी। मसाला रेडी करने के लिए मैं इसके अंदर जो पानी डाली थी, देखिए वो पानी थोड़ा थोड़ा करके इधर कम हो रही है, तो मैं और कुछ टाइम वेट करूंगी इसको फुल ड्राई होने के लिए। इधर देखिए मसाला फुल रेडी हो गई, तो मैं इसके ऊपर स्मैश्ड बैंगन डाल रही हूँ। इसको अभी मैं मसाला के साथ अच्छे से मिला लूँगी और कुछ टाइम के लिए इसको भी मसाला के साथ फ्राई कर लूँगी। मसाला के साथ अच्छे से मिलाने से और फ्राई करने से मसाला का जो फ्लेवर है वो भी बैंगन के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर ही मैं और थोड़ा नमक मिला लेती हूँ। मसाला के अंदर मैं पहले ही थोड़ा नमक डाल चुकी हूँ। टेस्ट करने के बाद मुझे लगा कि और थोड़ा नमक चाहिए इसके अंदर, तो इसके अंदर मैं और थोड़ा नमक मिला दी। अभी मैं इसके ऊपर कटा हुए हरी धनिया डाल रही हूँ और इसको भी अच्छे से भरता के साथ मिला लेती हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर भी भरता के अंदर आना चाहिए। तो अभी मेरी भरता रेडी हो गई, तो इसको मैं अलग सा एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली। इसको तो रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। आपको कैसा लगा आज का यह वीडियो प्लीज़ बताना मुझे, और एक रिक्वेस्ट है, आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।